मैंने देखा है कि जनकपुर जनपद के उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री माया प्रसाद सिंह जी का काफ़ी सहयोग रहा है, हमेशा यहाँ पर बैठते हैं। सर, मैं कमेंट्री बॉक्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, बालीवाल से एक आप शासकीय पद पर हैं, आप उपाध्यक्ष हैं जनपद के, बहुत बड़ा पद होता है, उस बड़े पद पर रहकर भी वॉलीबॉल खेल को समय देने के पीछे वजह क्या है? धन्यवाद कनक सर जी और आए हुए मंचर सिंह और खिलाड़ियों को सभी नए साथ में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा खेल में, मैं भी पहले पढ़ाई का सदस्य, मैं भी वॉलीबॉल हल्का फुल्का खेलता था और वॉलीबॉल से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम है। प्लस और तो सब चीज़ ठीक है सर, लेकिन हमारी इस बार एक कमेटी के एक लड़के न होने की वजह से मेरा थोड़ा सा दिल में अफसोस हो रहा है। राजन भैया न रहने से मेरा आत्मा बस उन्हीं के ऊपर घूम रहा है। खेल तो देखता हूँ लेकिन मेरा आत्मा सिर्फ राजन भैया के ऊपर लगा रहता है और बहुत अच्छा है। और मैं जब तक रहूँगा, नहीं भी रहूँगा उपाध्याय, तब भी मैं वॉलीबॉल के लिए जो भी होगा मेरे से तन मन धन और जो भी समय होगा सब कुछ मैं देने के लिए तैनात हूँ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। राजन भैया के लिए हमारी भी संवेदनाएं हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस बेहतरीन पद पर आप पदस्थ हैं, क्या जनपद में ऐसी कोई व्यवस्था होती है खेल को विकास करने के लिए? होती है सर, और उतना ज़्यादा जनपद से सहयोग नहीं हो पाया, लेकिन मैं व्यक्तिगत सहयोग 11,000 रुपये दिया हूँ। और क्योंकि अब अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव आ गया है और चुनाव को जैसे अब किसी को ज़्यादा सताने के लिए जगह नहीं था, इसलिए मैं खुद अपने व्यक्तिगत 11,000 का सहयोग किया हूँ और करते रहूँ। यहाँ पर लगभग 6 सशक्त टीमें जोर आजमाइश कर रही हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी हो सकती है? टीम तो मेरे को नरसिंहपुर दिख रही है, माड़ीसराय भी दिख रही है, मतलब सभी टीम मेरे लिए सशक्त दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।